सर्व कर्मवश वयमः, अर्थात सब कर्म के ही अधीन है। जी हाँ, कर्म ही पूजा है, यही कहा जाता है, माना भी जाता है और ये सत्य भी है। हर मनुष्य का यही दायित्व भी है, हमारे अन्नदाता और हमारे पशुपालक हो, सभी कड़ी मेहनत करते हैं, अपने दायित्व को निभाते हैं, तभी तो देश का विकास भी संभव हो पा रहा है। अब हम बात करें हमारे ग्रामीण परिवेश की, हमारे किसानों की, हमारे पशुपालकों की, तो उनको आगे बढ़ाने में अहम भूमिका है हमारे कृषि संस्थानों की, और इन्हीं श्रेष्ठ संस्थानों का दौरा करते हैं हमारे इस कार्यक्रम में। आज के कार्यक्रम में सफर तय करेंगे दिल्ली से उत्तर प्रदेश के मखदूम का। जी हाँ, ये वही मखदूम है जिसकी पहचान यहाँ स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के भारतीय बकरी अनुसंधान संस्थान से है। ये ICR का बहुत ही बड़ा संस्थान है, जैसे नाम से ही जाहिर है कि यहाँ पर काम होता है बकरियों के विकास पर। बात करें बकरी की, तो प्राचीन काल से ही हमारे देश में बकरी को एक पालतू पशु के रूप में पाला जाता है। बकरी से मनुष्य को पौष्टिक दूध प्राप्त होता है। इसका दूध गाय के दूध जितना ही स्वास्थ्यवर्धक माना जाता है, क्योंकि इसमें बीमारियों से लड़ने की भरपूर ताकत होती है और इसमें भरपूर मात्रा में तत्व और मिनरल्स भी पाए जाते हैं। जिस तरह लोग अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए गाय के दूध का सेवन करते हैं, उसी तरह बकरी के दूध का इस्तेमाल भी किया जाता है। ये बकरी का दूध पोषण देने के साथ साथ कई तरह की शारीरिक और मानसिक समस्याओं से भी राहत पहुंचाता है। बकरी के दूध के कई फायदे हैं, जैसे ये हृदय के लिए अच्छा होता है, सूजन को कम करता है, हड्डियों को मजबूती देता है, आसानी से पच जाता है, मस्तिष्क स्वास्थ्य में सुधार करता है, गर्भावस्था के दौरान लाभदायक होता है। बकरी से केवल दूध ही नहीं बल्कि मांस भी मिलता है, तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि बकरी को गरीब की गाय कहना बिल्कुल भी गलत नहीं है। इसका पालन कर अच्छी सेहत के साथ अच्छी आमदनी भी अर्जित की जा सकती है। हमारे देश भारत में बड़े पैमाने पर बकरी पालन व्यवसाय किया जाता है। धीरे धीरे इसके महत्व को समझा जा रहा है और ये प्रचलित भी हो रहा है। अपनी आजीविका के लिए लोग इसे अपना रहे हैं। ये फायदे का सौदा बनकर उभरे, इसके लिए मखदूम स्थित CIRG हर मुमकिन प्रयास कर रहा है। बता दें, इस संस्थान की स्थापना 12 जुलाई 1979 में की गई थी। उद्देश्य था बकरी को आजीविका और खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से उपयोगी पशु बनाना। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संस्थान में शोध और शिक्षा के माध्यम से बकरी की उत्पादकता और बकरी पालकों की आय बढ़ाने के लिए कार्य किए जा रहे हैं। इस संस्थान में 4 विभाग हैं: पशु प्रजनन विभाग, पशु देहिकी एवं जनन विभाग, पशु पोषण एवं उत्पाद प्रौद्योगिकी विभाग और पशु स्वास्थ्य विभाग। इस संस्थान के बारे में विस्तार से जानने की उत्सुकता बढ़ती ही जा रही थी। मन में कई सवाल लिए हम सीधा पहुँचे यहाँ के निदेशक महोदय के पास। उनसे संस्थान के इतिहास, उद्देश्य, लक्ष्य, कार्यप्रणाली और उपलब्धियों के बारे में जाना। आइए आपको भी दिखाते हैं कि इन सभी के संदर्भ में निदेशक महोदय ने क्या कुछ खास जानकारियां साझा की। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, जो ICR का एक संस्थान है, इसकी स्थापना 1979 में हुई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि किसानों के लिए हम कुछ कार्य कर सकें। और बकरी के, चूँकि एक पशु, एक महत्वपूर्ण पशु है किसानों के लिए और सभी वर्ग के द्वारा पाला जाता है, उसके रिसर्च को लेकर के थी। और उसका मुख्य उद्देश्य था कि हम बकरी के द्वारा जो अल्प
इनकम वाले अल्प आय वाले किसान हैं उनको हम अधिक से अधिक फ़ायदा पहुंचाएं और बकरी को पालन को साइंटिफिक रूप में प्रमोट करके उनकी स्किल को बढ़ाया जाए, उनकी इनकम को बढ़ाया जाए। प्रयोगशालाओं, पुस्तकालय और कृषि ज्ञान प्रबंध इकाइयों से सुसज्जित ये संस्थान कई अहम कार्यों में जुटा है। इन्हीं में से एक है अखिल भारतीय समन्वित बकरी विकास परियोजना, जिसका उद्देश्य है बकरी की मांस और दूध को बढ़ाना, साथ ही विलुप्त हो रही नस्लों का उनके प्राकृतिक वातावरण में संरक्षण करना। हमारे यहाँ पर संस्थान द्वारा एक अखिल भारतीय समन्वित बकरी विकास परियोजना भी चलाई जा रही है और ये इसकी 21 इकाइयाँ देश के 16 राज्यों में 15 बकरी की नस्ल पर कार्य कर रहे हैं, जिनका उद्देश्य है मांस और बकरी की उत्पादकता को बढ़ाना और इसके साथ साथ ही बकरियों की विभिन्न नस्लों का उनके नैसर्गिक वातावरण में संरक्षण करना और उनका विकास करना। इस परियोजना के परिणाम अच्छे नजर आ रहे हैं। बकरी के नस्ल सुधार और संरक्षण के कार्य देश भर में हो रहे हैं। वैसे तो देश भर में बकरी की विभिन्न नस्लें हैं, जैसे जमुनापारी, बर्बरी, सिरोही, ब्लैक बंगाल, मारवाड़ी, मालावारी, सूरती, बीटल, उस्मानाबादी और गद्दी आदि। हमारे देश में बकरियों की संख्या 15 करोड़ है और नस्लें 34 हैं। इन 34 नस्लों को हमने 3 तरह से क्लासिफाई किया है। कुछ बकरी की नस्लें बड़े आकार की हैं, कुछ मध्यम आकार की हैं और कुछ छोटे आकार की हैं। जो ये झकराना नस्ल आप देख रहे हैं ये बड़े आकार वाली नस्ल है और इसके साथ साथ जमुनापारी, सिरोही, बीटल ये भी बड़े आकार वाली नस्लें हैं। मध्यम आकार में बर्बरी, संगमनेरी, बीटल, ये बुंदेलखंडी ये सभी नस्लें आती हैं और छोटे आकार वाली नस्लें नॉर्थ ईस्ट में मिलती हैं। यदि हम उत्पादन के हिसाब से देखें तो हमारे देश में 4 ऐसी नस्लें हैं जिनको हम मिल्च ब्रीड कहते हैं, दुधारू नस्लें कहते हैं, और वह नस्लें हैं झकराना, जमुनापारी, बीटल और सूरती। मिल्च ब्रीड इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका दूध उत्पादन अन्य नस्लों से ज़्यादा होता है। यह चारों के चारों नस्लें प्रतिदिन 1 लीटर से ज़्यादा दूध देती हैं और इनका दुग्धकाल यानी लैक्टेशन लेंथ 5 माह से अधिक रहता है, इसलिए इनको मिल्च ब्रीड कहा गया है। बाकी जो दूसरी नस्लें हैं मांस उत्पादन के लिए पाली जाती हैं, जो मुख्यतः दक्षिण भारत में मिलती हैं। हमारे संस्थान में CIRG में बकरी की 6 नस्लें हैं। इन 6 नस्लों में 3 नस्ल बुंदेलखंडी, सिरोही और बीटल, यह एक तरह से प्रदर्शन इकाई के रूप में हैं। कुछ जानवर हमारे पास हैं जिससे कि हम जो हमारे संस्थान में ट्रेनिंग करने लोग आते हैं उनको या दर्शकों को दिखाने के लिए कि नस्लें किस तरह की होती हैं। 3 नस्लें जमुनापारी, बर्बरी और झकराना, इनके हमारे पास 3 बड़े ब्रीडिंग फार्म हैं और इनमें बकरियों की संख्या 500 से 600 प्रत्येक प्रक्षेत्र पर है। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनी वेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी, 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। CIRG में मुख्य तौर पर शोध जमुनापारी, बर्बरी और जखराना पर होता है। इनकी नस्ल सुधार और संरक्षण के लिए यहाँ अनुसंधान परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। हमारा जो केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान है वो बकरियों के द्वारा किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सतत प्रयास कर रहा है और जो बर्बरी बकरी को अगर वैज्ञानिक विधि से पाला जाता है तो प्रति वयस्क बकरी प्रतिवर्ष तकरीबन 8,000 से 12,000 रुपये का मुनाफा होता है, यानी कि खर्चा सब निकाल के। और आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि हम
किसानों को 300 से 500 बर्बरी नस्ल की बकरियां उनके जो आमदनी बढ़ाने के लिए इसके आनुवांशिक सुधार के लिए प्रदान करते हैं। साथ ही साथ हमने उत्तर प्रदेश एवं आसपास के राज्यों में इसके जो बकरी आधारित जो एग्रो फार्म्स हैं, एग्रो बिजनेस मॉडल्स हैं, उनको स्थापित किया है। और ये जो एग्रो जो बिजनेस मॉडल हैं इनको हमने मल्टीप्लायर फ्लॉक स्कीम का नाम दिया है। साथ ही एक और खास बात यहाँ आकर हमें पता चली, इस संस्थान में बकरी के साथ ही भेड़ पर भी थोड़ा काम होता है। यहाँ की एक और परियोजना है जिसका नाम है मुजफ्फर नगरी भेड़ परियोजना। इसके तहत मुजफ्फर नगरी नस्ल में मांस उत्पादन के लिए सुधार किए जा रहे हैं। तो किस तरह से अनुसंधान नस्ल सुधार में लगा हुआ है संस्थान का पशु प्रजनन विभाग, ये भी हमने जाना। इसमें हम जो बकरियों के अंडाणु हैं उनको हम जो स्लॉटर हाउस है वहाँ से ओवरीज जो आती हैं उनसे हम कलेक्ट करके और उनको एक हम कृत्रिम वातावरण में उनको हम मैच्योर कराते हैं। उसके बाद एक उच्च कोटि के जो बकरे हैं उनके सीमेन से उनको हम फर्टिलाइज करके और IVF तकनीक से एम्ब्रियो प्रोड्यूस करते हैं। साथ ही हम हमारे इस प्रयोगशाला में जो इस समय परियोजनाएं चल रही हैं उसमें मुख्य रूप से हम क्लोनिंग के ऊपर काम कर रहे हैं कि कुछ नस्ल के जानवर जिन जो कि एक उच्च गुणवत्ता वाले हैं उसके ठीक उसी रूप का हम दूसरे जानवर हम किस तरीके से बना सकते हैं उसके ऊपर कार्य चल रहा है। साथ ही हम साथ ही साथ इस तरीके के जानवर को भी हम यहाँ पर बनाने के ऊपर परियोजनाएं चल रही हैं जिससे कि हम जो डिज़ायर्ड करेक्टरिस्टिक्स हैं मतलब जो जो हम चाहते हैं कि जानवर में इस तरीके के गुण आएँ उनको किस तरीके से बनाया जा सकता है उसके ऊपर कार्य चल रहा है। वर्तमान में हम जो बकरियां हैं उनके वजन को किस तरीके से हम बढ़ा सकते हैं, डबल मास किस तरीके से प्रोड्यूस किया जा सकता है इसके ऊपर एक ट्रांसजेनिक गोट प्रोडक्शन की एक परियोजना हमारे इस प्रयोगशाला में वर्तमान में चल रही है जिससे कि हम जो बकरियां हैं उनके उत्पादकता को किस तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है इसके ऊपर कार्य कर रहे हैं। नई तकनीकों का उपयोग कर यहाँ के वैज्ञानिक उच्च स्तरीय काम कर रहे हैं, ये तो हमने जान ही लिया। पशु प्रजनन विभाग के बाद हमने रुख किया पशु देह की और जनन विभाग का। ये विभाग बकरियों के प्रजनन और आवास प्रबंधन से संबंधित नए अनुसंधान करने के साथ ही उनसे विकसित तकनीकियों को विभिन्न हितग्राहियों तक पहुंचाने के लिए भी प्रतिबद्ध है। तो कैसे हो रहा है इस विभाग में अनुसंधान, जाना हमने विभाग के वैज्ञानिकों से। इस विभाग में 4 प्रयोगशाला है। पहली प्रयोगशाला है जिसे कि हम नर प्रयोगशाला कहते हैं और इस नर जनन प्रयोगशाला में हम बकरे के द्वारा वीर्य को एकत्रित करके उसका हिमीकरण करते हैं। दूसरी हमारी प्रयोगशाला है जिसे कि हम मादा जनन प्रयोगशाला कहते हैं और इस प्रयोगशाला में हम उच्च स्तरीय बायोटेक्नोलॉजी का शोध करते हैं। जो हमारी तीसरी प्रयोगशाला है उसे हम एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी कहते हैं और इस प्रयोगशाला में हम जो भ्रूण बनाते हैं उस भ्रूण का इसमें बकरी में स्थापित किया जाता है ताकि उससे हम बच्चे प्राप्त कर सकें। वो हमारी चौथी प्रयोगशाला है जिसे कि फिजियोलॉजी कहते हैं। इस फिजियोलॉजी विभाग में बकरी और बकरे के देहिकी से संबंधित जो बदलाव आते हैं विभिन्न वातावरण में उनको देखा जाता है और उसके ऊपर शोध किया जाता है। विभाग की नर जनन प्रयोगशाला, मादा जनन प्रयोगशाला और भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला में कितने ही अहम काम हो रहे हैं। साथ ही ये विभाग कृत्रिम गर्भाधान पर प्रशिक्षण भी देता है और अभी तक की बात करें तो 500 से भी अधिक लोग यहाँ प्रशिक्षित होकर इससे लाभ ले चुके हैं। बकरों के वीर्य का संग्रहण करते हैं, संग्रहण करने के बाद उनका क्राय प्रिजर्वेशन करते हैं और क्राय प्रिजर्वेशन करने के बाद उनका कृत्रिम गर्भाधान कैसे करना है, तो इस सारे कार्यों का हमारे इस प्रयोगशाला में कार्य होता है।
तो ये जो सीमेन कलेक्शन कप आप देख रहे हैं, इस सीमेन कलेक्शन कप में हमने ऑलरेडी सीमेन कलेक्ट कर रखा है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास अभी 2 ml सीमेन है, और इस 2 ml सीमेन में हमें 9 times मिल्स 18 ml मिलाना और 20 ml बनाना है। 20 ml से 1 ml से 4 स्टॉप बनेंगे, तो 20 ml से हमें 80 स्टॉप बनेंगे। कम से कम 80 बकरियों में हम कृत्रिम गर्भाधान का कार्य कर सकते हैं इतने छोटे अमाउंट से, 2 ml के सीमेन से। ये कृत्रिम गर्भाधान का फायदा है। मेरा कार्य बकरियों में कृत्रिम गर्भाधान एवं बकरियों के वीर नस्ल वीर पे संरक्षण पे चल रहा है। आज के इस कार्यक्रम में मैं आपको कैसे बकरी के सीमेन की जांच की जाए वो बताना चाहूँगी। तो सबसे पहले आज हमारे पास ये क्रायोप्रिजर्व सीमेन का कंटेनर है। इसमें हमने विभिन्न नस्ल की बकरियों के वीर को एकत्रित करके रखा हुआ है, और इसमें से हम एक स्ट्रॉ निकालेंगे जिसका परीक्षण हम आप सभी को आज करके दिखाने वाले हैं। ये जो हमारे पास है ये 37 degrees centigrade का पानी है। इसमें जो मैंने अभी आपके सामने सीमेन की स्ट्रॉ निकाली उसको 30 से 45 सेकंड तक इसमें डुबाएंगे, जो कि मैं डुबा चुकी हूँ। इसके बाद हम इस स्ट्रॉ को निकालेंगे, निकालने के बाद इसको पोंछ लेंगे अच्छे से। पोंछने के बाद इसका एक सिरा हम काट देंगे। काटने के बाद हम इससे जो हमने वीर निकाला है उसको स्लाइड पे रखेंगे, और ये जो माइक्रोस्कोप है इसमें थर्मोस्टेज लगा हुआ है। थर्मोस्टेज का मतलब कि जो वीर है वो पहले से ही जो स्लाइड है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर यहाँ पर रहने वाली है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि काफ़ी सारे शुक्राणु गतिशील अवस्था में दिखाई दे रहे हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर इस वीर का उपयोग हम फील्ड में बकरियों में कृत्रिम गर्भाधान करने में करते हैं तो निश्चित रूप से हमें अच्छी गुणवत्ता के बकरे और अच्छी गुणवत्ता की नस्ल प्राप्त हो। दोस्तों, इस हफ्ते हम मना रहे हैं सबके प्यारे बापू यानी महात्मा गांधी जी और देश के लाल यानी लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती। धूम है नवरात्रि और दशहरा की। नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम शेरों वाली। तो इन मिले जुले रंगों में रंग जाने के लिए देखिए रंगोली। धिंकनात धिंकनात आ जाओ के सराट पैरों से बेड़ी जरा खोल नगाड़ संग ढोल बाजे धाय धाय धम धम धाय। हर रविवार सुबह 8 बजे ओनली ऑन डीडी नेशनल। प्रगति के पथ पर ICAR का CIRG आगे बढ़ रहा है, ये साफ नजर आ रहा था। इसी के साथ हम भी आगे बढ़े और हमने रुख किया बकरियों के आवास की ओर। यहाँ AICRP परियोजना के अंतर्गत 2 मंजिला बकरी आवास बनाया गया है। दोनों तलों पर सभी सुविधाओं का ध्यान रखा गया है। प्लास्टिक से बने इस अनूठे आवास पर विस्तार से जानी हमने वैज्ञानिकों की राय। इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग से अनेक फायदे हैं। एक तो क्या है कि बकरी जो डिस्चार्ज करती है, चाहे यूरिन हो या मैंगनी हो, वो सीधा उसके टच में नहीं आता। जो सिलेटेड हाउस है, दूसरी वाली मंजिल है, उस पर जानवर आप देख रहे हैं, तो उसकी मैंगनी और यूरिन नीचे आएगा, बकरी के टच में नहीं आएगा। तो इससे एक तो उसमें बीमारियां कम लगेंगी, दूसरा जो मैंगनी मिलेगी वो अच्छी क्वालिटी की मिलेगी, उसमें मिट्टी का मिश्रण नहीं होगा, तो खेत की जो भूमि है उसकी उर्वरा शक्ति के लिए वो काफ़ी सही रहेगी। दूसरा है कि बीमारियां, जब बकरी के टच में यूरिन या मैंगनी नहीं आएगी तो उसमें बीमारियां कम लगेंगी। तो इसका परियोजना का उद्देश्य यही है कि एक तो बीमारियां कम लगें बकरी में, दूसरा ग्रोथ बॉडी वेट भी हमें अच्छे मिलें। और इस परियोजना के जो हमें आंकड़े मिले हैं, रिजल्ट मिले हैं, उसमें हमने देखा है कि लगभग 10% हमें एडिशनल यानी अतिरिक्त शारीरिक भार मिलते हैं बजाय कि हम ज़मीन पर इन बकरियों को रखते हैं। तो ये दो बहुत बड़े फायदे हैं इस परियोजना के।
परिसर का भ्रमण करते हुए हमने संस्थान में स्थित बकरी प्रदर्शन इकाई और मयूर वन भी देखा। प्रदर्शन इकाई में सिरोही, बीटल और बुंदेलखंडी नस्लों को रखा गया है ताकि जो लोग आए वो इन नस्लों के बारे में जान सके। वहीं मयूर वन तो बेहद ही सुंदर है। यमुना के तट पर बना छोटा सा मयूर वन CIRG का मुख्य आकर्षण है। भारतीय बकरी अनुसंधान संस्थान में हमारी नजर पड़ी एक प्रदर्शन इकाई पर। ये प्राकृतिक खेती आधारित प्रदर्शन इकाई थी जिसके अंदर शून्य बजट प्राकृतिक खेती द्वारा हरे चारे का उत्पादन किया जा रहा है। हरा चारा, हे और साइलेज जो बकरियों के लिए अच्छे आहार हैं, किस तरह से CIRG में इनके उत्पादन के लिए काम हो रहा है जानने के लिए हमने रुख किया विशेषज्ञों का। किसान भाइयों की जैसे कि समस्या रहती है कि उन्हें साल भर हरा चारा किस तरह से उपलब्ध रहे, तो जो सीजन में अधिक चारा उत्पादन हो रहा है जिसकी हम उपयोगिता जो है सीजन में नहीं कर पा रहे हैं, तो उस अधिक चारे को किस तरह से हम संरक्षित करें कि वो हमको साल भर बराबर मिलता रहे। और दूसरी विधि होती है जिसमें कि हम साइलेज बनाते हैं, इसमें ज़्यादातर हम जो मोटे तने वाली फसलें हैं उनका उपयोग करते हैं जिनको कि सुखाना जो है आसान नहीं होता है, और जिस क्षेत्र में जो है अधिक वर्षा होती है वहाँ पर भी सुखाना मुश्किल होता है। तो ये साइलेज बनाने में क्या होता है कि हम जो मोटे तने वाले चारे की फसलें हैं उनकी चैफिंग करके, उनको कुट्टी काट करके और उसको एयर टाइट बैग में पैक करके करीब 55 से 60 दिनों तक रख देते हैं। तो इससे क्या है कि जो उसमें कार्बोहाइड्रेट रहता है उसका फर्मेंटेशन होता है अवायवीय कंडीशन में, जिसमें कि उसमें हवा का कम जो है मूवमेंट हो सके, तो उससे क्या है कि फर्मेंट होकर के लैक्टिक एसिड बनता है और उस लैक्टिक एसिड से उसका जो टेस्ट है थोड़ा अम्लीय हो जाता है, इससे वो साइलेज के रूप में बन जाता है और उसको हम धीरे धीरे उपयोग करके चारे के रूप में कर सकते हैं। हमने मोरिंगा की फसल जिसको सहजन के नाम से भी जाना जाता है उसको भी बकरी के हरे चारे के रूप में उपयुक्त किया है और इसके लिए हमारे संस्थान ने लगभग 10 एकड़ क्षेत्र में हमने इसका उत्पादन करना शुरू किया है। हम बकरी पालकों को पूरे वर्ष हरा चारा मिल सके इसके लिए बहुवर्षीय चारा फसलें जैसे नेपियर घास पर भी काम कर रहे हैं। नेपियर घास के लिए हमने किसानों के लिए एक प्रदर्शन मॉडल भी तैयार किया है। इस प्रदर्शन मॉडल में बकरी पालक किसान पूरे वर्ष हरे चारे उत्पादन के साथ साथ दलहनी चारे का उत्पादन भी कर सकते हैं। इस तरह का एक हमने मॉडल विकसित किया है। इसके साथ जिन बकरी पालकों के पास कम जमीन है वे बकरी पालक अपने खेत की बाउंड्री पर भी नेपियर घास लगा सकते हैं। इस तरह की तकनीक भी हमने विकसित की है। वर्तमान में हम प्राकृतिक खेती के ऊपर भी कार्य कर रहे हैं। प्राकृतिक खेती द्वारा हम हरे चारे का उत्पादन कर रहे हैं। प्राकृतिक खेती में हम शून्य बजट प्राकृतिक खेती के सिद्धांतों जैसे जीवामृत, बीजामृत, नीमास्त्र इन सब का उपयोग कर हरे चारे का उत्पादन कर रहे हैं, जिसमें अभी हमने मक्का, लोबिया इंटरक्रॉपिंग के साथ जीवामृत और बीजामृत का उपयोग कर हरे चारे का उत्पादन कर रहे हैं। साथ ही लोबिया में हम मल्चिंग के द्वारा हरे चारे का उत्पादन कर रहे हैं। हम प्राकृतिक खेती के अंतर्गत हमारे संस्थान में आने वाले विभिन्न किसानों एवं प्रशिक्षणार्थियों को इसका प्रशिक्षण भी दे रहे हैं। उनको जीवामृत एवं बीजामृत बनाने की विधियों के बारे में भी सिखा रहे हैं और उनको इसके लिए मोटिवेट भी कर रहे हैं ताकि वो प्राकृतिक खेती को अपना सकें। चारा उत्पादन के बाद अब बारी थी पशु पोषण के बारे में जानने की और हमने जाना भी। इसके साथ ही उत्पाद प्रौद्योगिकी, पशु स्वास्थ्य जो बकरी पालन में काफी अहम है, हमने इनके बारे में भी जाना और ये सब आपको भी बताएंगे। लेकिन इसके लिए करना होगा आपको थोड़ा इंतजार। बकरी पालन के गुर आपके साथ भी हम अवश्य ही साझा करेंगे लेकिन अगली कड़ी में। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में CIRG के सफर में फिर होगी आपसे मुलाकात। हमारे संस्थान द्वारा समय समय पर बकरियों के ऊपर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जिसका शीर्षक है वैज्ञानिक बकरी पालन।